दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में रशिया को एक बहुत ही बड़ी सफलता मिल चुकी है। रशिया पिछले 4 महीनों से लगातार ही यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन अभी तक भी रशिया को कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। लेकिन अब रशिया की तरफ से यूक्रेन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है। यूक्रेन के इस शहर का नाम सेवरोडोनेस्क है। ये यूक्रेन का एक महानगर है, क्योंकि इस शहर की आबादी 10 लाख प्लस है और अभी शहर पर पूरी तरीके से यूक्रेन की सेना का कब्जा हो गया है। यूक्रेन के इसी शहर में पहले 10 लाख लोग रहते थे, लेकिन अभी शहर में केवल 10,000 लोग ही बचे हुए हैं। बहुत से लोग तो सेवरोडोनेस्क को छोड़कर जा चुके हैं और कुछ लोग अभी भी सेवरोडोनेस्क में बचे हुए हैं। इस शहर के जाने की बात को सेवरोडोनेस्क के मेयर की तरफ से अपने न्यूज चैनल को बताया गया है। पहले रूस और यूक्रेन युद्ध यूक्रेन के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब रूस की तरफ से धड़ाधड़ और काफी तेजी से यूक्रेन की सेना और यूक्रेन के महत्वपूर्ण शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस वजह से अब यूक्रेन की सेना भी जल्द से जल्द अपने घुटने टेकती जा रही है। ये सफलता व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन इस शहर पर कब्जा करने के लिए काफी दिन से प्लान बना रहे थे और आज यही प्लान व्लादिमीर पुतिन का पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है।